वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पत्तों से क्रिस्पी पकौड़े। तो उसके लिए मैंने लिया है, बड़े साइज के पत्ते हैं, इनको धो लिया है और अभी हम इसको इसका बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप जितना बेसन और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन हाथों से मसल करके और डाल देंगे और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और अभी हम इसका बैटर बना लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 लेमन का जूस और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। अभी मैंने बेसन का बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है और ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जो पत्तों के ऊपर उसकी कोटिंग बन जाए। अभी पालक के पत्तों को एक एक करके बेसन में डिप करेंगे और तेल में डाल के फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने तेल गरम किया है और अभी डाल देंगे पालक के पत्तों का। एक बार में ही हम 2 ही पत्ते डालेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े साइज के हैं पालक के पत्ते और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं ये पालक के पकौड़े। अभी पकौड़े बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अभी हम निकाल लेंगे इनको। अभी डाल देंगे हमारा दूसरा बैच। और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट बैच भी तैयार हो चुका है तो अभी हम इसको भी निकाल लेंगे और गैस को करेंगे बंद और करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो तैयार है हमारे पालक के बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।